So today we are going to start the third chapter, which is private, public and global enterprises of business studies, which is chapter number 3. So इसका हम सबसे पहले देख लेते हैं कि इकोनॉमी सिस्टम क्या होते हैं. सो इकोनॉमी सिस्टम जो है वो तीन प्रकार के होते हैं. पहला है सोशलिस्ट इकोनॉमी, सेकंड इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड थर्ड इज मिक्स्ड इकोनॉमी. तो हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं कि ये सोशलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होते हैं. सो सोशलिस्ट इकोनॉमी वो होती है जहाँ पे जैसे लिखा है कि रिसोर्सेज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली. अब रिसोर्सेज क्या होते हैं, तो रिसोर्सेज कुछ भी हो सकते हैं, गुड्स, सर्विसेज, फूड, मतलब कुछ भी जो रिसोर्सेज है वो सोशलिस्ट इकोनॉमी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे. अब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कैसे होंगे, जैसे इसमें ये फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो या आप क्या काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो. इसमें आपको जो गुड्स है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट ही होंगे. मतलब जैसे अगर 5 लोग हैं तो गुड्स 5ों में होंगे, ये ज़रूरी नहीं कि उनने 5ों ने काम करा है कि नहीं है. और सेकंड पॉइंट मैंने लिखा है कि गवर्नमेंट रेगुलेटेड, मतलब ये भी जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है इसको गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, इसलिए गवर्नमेंट भी सबका भला ही चाहती है तो सभी को गुड्स इक्वल में डिस्ट्रीब्यूट करती है. सेकंड होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो होती है जहाँ पे बेटर परफॉर्मर टेक्स ऑल रिसोर्सेस. मतलब जैसे 2 लोग हैं और वहाँ पे अगर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हुई तो जिनने भी दोनों में से ज़्यादा काम करा होगा उसी को ज़्यादा गुड्स मिलेंगे, सर्विसेज मिलेंगी, या पहले गुड्स सर्विसेज मिलेगी. तो यही कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है. और यहाँ सेकेंड पॉइंट लिखा है मार्केट रेगुलेटेड. मार्केट रेगुलेटेड मतलब जो भी डिमांड होगी मार्केट में या सप्लाई होगी उसी से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी चलती है. नाउ अब यहाँ पे एक बात आती है, जैसे कि सोशलिस्ट इकोनॉमी रही तो जूता भी पब्लिक रहेगी, सब में इक्वली गुड्स बटेंगे. तो इससे क्या होगा कि पब्लिक की जो वो रहेगी एक क्यूरियोसिटी कुछ भी रहेगी कि हमको और ज़्यादा काम करना है, वो नहीं होगा क्योंकि वो सोचेंगे हम जितना भी काम करें हमको तो गुड्स इक्वली मिल रहे हैं. तो इसलिए सोशलिस्ट इकोनॉमी भी एक पॉइंट तक ही ठीक है. और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में लगेगा कि जो ज़्यादा काम कर रहा है उसी को मिलेंगे, जो मतलब बेचारा काम नहीं कर पा रहा उसको कुछ नहीं मिलेगा. तो इसलिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी नहीं है. तो इन दोनों चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए एक थर्ड इकोनॉमी का हुआ आविष्कार हुआ जिसको कहेंगे मिक्स्ड इकोनॉमी. अब मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या रहता है, मिक्सचर ऑफ बोथ, मतलब इसमें दोनों का मिक्सचर रहता है. इसमें जैसे जो गुड्स है वो तो सबको इक्वली मिलेंगे पर जिनने ज़्यादा काम करा है ना उसको भी थोड़े गुड्स ज़्यादा मिल जाएंगे. इससे क्या होगा, दोनों खुश हो जाएंगे. इसलिए मिक्स्ड इकोनॉमी को क्या है, मैक्सिमम नेशंस फॉलो इट, मतलब बहुत सारे नेशंस इसको फॉलो भी करते हैं, इंडिया उनमें से एक. जैसे कि आपको पता ही होगा कि इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी का सिस्टम है जो हमारे देश में लागू है. तो यही आज के वीडियो के लिए. अब हम अगले वीडियो में इस लेसन के बारे में आगे पढ़ेंगे.